वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज देखिए हमारे पास गैरेज को प्लैटिना गाड़ी आई है, ओल्ड मॉडल है, इसको हमें सेल्फ फिटिंग करने वाले हैं। और वो प्लैटिना C200 ओल्ड मॉडल की और अन्य प्लैटिना और बॉक्सर कैलिबर ये सबको सेम आता है, इसमें ओल्ड मॉडल में सेल्फ नहीं रहता है। हमें अभी इसको सेल्फ बिठाने वाले हैं। अभी इसको जो जो पार्ट्स लगता है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे, अब वो दिखा देंगे आपको। तो दोस्तों सेल्फ फिटिंग करने के लिए जो सामान है ये है कोयल प्लेट है प्लैटिना गाड़ी का, और आना ये है इसे हम है नया लेकर आ चुके हैं, और आना ये मैग्नेट है प्लैटिना गाड़ी का चाहिए है, और ये सीढ़िया यूनिट है, और सीढ़िया यूनिट ये इसे ही बोलते हैं उसको बॉटम कोयल बोलते हैं, और आना क्लच और क्लच लीवर ये स्प्लेंडर का है, और ये फुल वायरिंग किट भी चेंज कर रहा है इसके साथ साथ, और नया बैटरी डालना पड़ता है, और एक्सीलेटर केबल और हैंडल बार गड्ढे और ये एक्सीलेटर केबल पैकिंग सब इतना ज़रूरत पड़ता है। अभी वीडियो करते हैं सर, आपको जानकारी देंगे गाड़ी का। देखिए दोस्तों ये किक से स्टार्ट होती है, सेल्फ नहीं है, अगर सेल्फ मोटर हुआ सब नहीं है, इसको ओल्ड मॉडल है, इसकी वजह से हम सेल्फ फिटिंग करने लगे हैं। ये इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। अब वीडियो पे बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेट का और सीट टैंक और डोम सब हैंडल वाला सब खोल देंगे, खोलने के बाद सब जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों ये प्लैटिना ओल्ड मॉडल में सब खोल चुके हैं और वायरिंग किट बाहर काट चुके हैं। ये देखिए हमें इसमें प्लैटिना गाड़ी में स्पेंडर का वायरिंग किट इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी इस डालते सो आपको वीडियो दिखा देंगे और वीडियो पर बने रहिए ऐसी चीज़। तो दोस्तों ये मैग्नेट कॉयल बाहर काट रहे हैं, हमें काट के दोनों मैग्नेट बाहर निकालते हैं इसको, मैग्नेट और कॉयल प्लेट। तो दोस्तों ये कॉयल प्लेट बाहर निकाल चुके हैं हमें अभी इसको, ये देखिए। तो दोस्तों ईसीएम बैठने के लिए ये सब थोड़ा काटना पड़ता है, इसके नीचे बैठा रहा है सीट लाग के नीचे हमें ईसीएम। देखिए दोस्तों ये है स्पेंडर का वायरिंग किट इंस्टॉल कर रहे हैं, सामने हैंडल में से इसे रिटर्न से इस तरह से डाला है, पूरी वायरिंग किट डालने के बाद आपको दिखा देंगे कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये है प्लैटिना का लाइटिंग कॉइल है, कॉइल प्लेट है पूरा असेंबली, अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी देखे इसको। धीरे से हल्का से इसको इस तरह से बिठाना है, भैंस का है। तो दोस्तों ये देखिए यलिंग की बोर्ड फिटिंग करने के लिए ये इस तरह से बाहर करना पड़ता है लाइटिंग को, कोयल को इसकी इस तरह से फिटिंग करना पड़ता है। देखिए दोस्तों कोयल प्लेट पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है, अभी इसको हमें मैग्नेट फिटिंग कर रहा है, ये देखिए मैग्नेट इस तरह से फिट कर रहा है। देखिए बेटा भाई मैग्नेट फिटिंग करके और नेट लगा के फुल टाइट करना चाहिए इसको। तो दोस्तों ये कोयल प्लेट के नया वायरिंग है, ये तो इस तरह से डाले के ये है ना, इसे में बिठाना चाहिए इसको। तो दोस्तों बैठ चुका है, देखिए दोस्तों ये ईसीएम का कनेक्शन है, सॉकेट इस तरह से हमें वायरिंग डाली है, इसे सामने डूम में आता है इसको फिटिंग पूरे वायरिंग। अभी जो ये है कलेक्शन देने वाले कलेक्शन ये सीढ़िया कोयल है, सीढ़िया कोयल में ये कलर सॉकेट लगाना चाहिए इसको, वाइट रेड का रेड और ग्रीन का ग्रीन लगाना चाहिए इसको। दोस्तों ये सीढ़िया का कोयल का कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, दो बिठा चुके हैं और एक सॉकेट है उसको इसको बता देंगे तुम्हारे को। तो दोस्तों ये देखिए ये इसे सेंटर में है ना छोटा सॉकेट, ईसीएम कॉइल से स्ट्रेट ये है ना ये वायर सीधा बैटरी में चले जाते हैं, ये वगैरह इस तरह से आया है नया वायरिंग किट। तो दोस्तों ये बैटरी का ब्लैक वायर माइनस वायर है, ये रेड प्लस वायर है, ये है ये वायर है ना ईसीएम को आता है सेंटर में, ये देखें ये फ्यूज़ का कलेक्शन है रेड वायर, इस तरह से कलेक्शन करना चाहिए। ब्लैक कलर ये अर्थिंग दे रहे हैं इसको, कंपनी से आया है वायरिंग किट में दे रहा है इसको अर्थिंग, ये देखिए इसका वायरिंग कंपनी की वायरिंग में
ग्रीन में दिए है, और ये रेड वायर है ना, इसको ये प्लस का ये फ्यूज बॉक्स में दिए है। तो दोस्तों ये नया वायरिंग किट के साथ आया सर स्काई कलर का, ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर का कलेक्शन करने वाले अभी इसको। तो दोस्तों ये पावर कॉल बैठ चुका है, हमें इसका अर्थिंग दी है, और है ना ब्लैक और ब्लैक एंड ग्रे ग्रे है ना, ये हमें कलेक्शन दिए। बता तो दोस्तों ये है चेक इंजन लाइट है, ये वायर में ग्रीन कलर का सॉकेट आता है, इस तरह से सॉकेट कलेक्शन किए है, और है ना ये रेड कलर का सॉकेट को पहले से ही आता है, ये तो रिले है, ये ब्लू कलर का तो हम कलेक्शन करे है, इसको क्लच स्विच का आता है, ये है क्लच कर लिया और दोनों डाल रहा है स्पेंडर का। तो दोस्तों ये ग्रीन कलर सॉकेट में हमें हैंडल बार का ये बिठा रहे हैं। तो दोस्तों ये ओल्ड मॉडल प्लाटिना बाइक में सेल्फ स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी सेल्फ मार के बताते हैं। देखो भाई देखो सेल्फ मारते हैं, अभी देखो क्लच पकड़ के देखो, इधर देखिए, देखो इधर देखिए स्पेंडर का बिठा है माउंटिंग इसका, इधर पकड़ा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।